हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सालिम रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रीन गोल गार्डन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मनी प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और इसके अलावा हम कौन से फर्टिलाइजर यूज करें जिससे कि हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ जल्दी तेज़ी से स्टार्ट हो सके। दोस्तों, ज़्यादातर हम मनी प्लांट को मॉस स्टिक के सहारे या फिर हैंगिंग बास्केट के सहारे, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हैंग करके ग्रो करते हैं। दोस्तों, जो मॉस स्टिक होती है उसके सहारे हम जब मनी प्लांट को ग्रो करते हैं तो मॉस ग्रास में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसके जरिए जो एरियल रूट्स होती हैं मनी प्लांट की, वो उससे जो मॉस ग्रास होती है अपना जो खाना पानी लेती रहती है, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है और पत्तों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन जो हम हैंग करके ग्रो करते हैं अपने मनी प्लांट को, उसकी जगह उसमें मॉइस्चर कम पहुँचता है, जिससे कि जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं वो कम बढ़ती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करने के लिए हमने मिट्टी तैयार की है वो किस तरीके से तैयार की है, कौन कौन से इसमें फर्टिलाइजर मिलाए हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 50% लिया है नॉर्मल गार्डन की सॉइल जो कि सैंडी सॉइल है। इसके अलावा मैंने 30% मिलाया हुआ है सैंड जो कि रिवर सैंड होता है। इसके अलावा 20% मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउ डंग जो कि फुल डीकम्पोज हुआ वो हो, या फिर लीफ कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट फर्टिलाइजर है जिससे कि जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होगी, वो कौन सा फर्टिलाइजर है, दोस्तों वो वीडियो को लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम मनी प्लांट को पानी में भी ग्रो करते हैं, पानी में भी ग्रोथ उसकी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सही जगह होती है मनी प्लांट ग्रो करने के लिए वो सॉइल होती है। सॉइल में अगर आप लगाते हैं मॉस स्टिक को गाड़ के, तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके अलावा उसके जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो हमने रेडी की है सॉइल, इसके अंदर जो बीच में हम जो मॉस स्टिक है उसको गाड़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं ये मॉस स्टिक है, इसके सहारे हम जो मनी प्लांट को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं दोस्तों? मॉस स्टिक में पानी होल्ड रहता है, पानी जमा रहता है, जिससे कि जो मनी प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसके अंदर से एरियल रूट्स निकलती हैं। वो एरियल रूट्स पहुँच जाती हैं इस मनी मॉस स्टिक के अंदर, जिससे कि इसमें जो पानी होता है वो मनी प्लांट की रूट्स के जरिए इसको मिलता रहता है। इससे पत्तों की ग्रोथ भी ज़्यादा बड़ी होती है। चलिए फ्रेंड्स, जो ये कटिंग है इसके जो 3 लीफ हैं नीचे के, मैं उनको तोड़ के इस मनी प्लांट को मिट्टी में लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक बात और भी बताना ज़रूरी है, जो मनी प्लांट की कटिंग हम लगाएं तो कम से कम 3 नोड एरिए मिट्टी के अंदर होने चाहिए, जैसे कि ये और ये, इस तरह के 3 नोड एरिए जो मिट्टी के अंदर होंगे तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ है जल्दी स्टार्ट होगी। अगर एक एरिया रूट से अगर मनी प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती तो 2 बाकी बचेंगे, उनसे इसकी रूटिंग जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, मनी प्लांट की कटिंग को आप सिर्फ 2 इंच गहरा मिट्टी में लगाएं, इससे ज़्यादा गहरा ना लगाएं। ज़्यादा गहरा लगाने से भी कभी कभी जो कटिंग है वो सड़ जाती है, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर काफ़ी मॉइस्चर रहता है, इसलिए कटिंग जल्दी सड़ जाती है। दोस्तों, धार्मिक हिसाब से इस मनी प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है, पैसे वाला पौधा माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम जो फर्टिलाइज़र अब इसको देने वाले हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो कौन सा है जो कि हम पानी में डाल के इसमें यूज करने वाले हैं, जिससे कि हमारे मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है, और ये सामने आप देख पा रहे हैं गौमूत्र है जो कि बहुत ही हाई नाइट्रोजन का सोर्स है, और इसके अलावा काफ़ी इसमें माइक्रो न्यूट्रंस हैं जो कि हमारे पौधे को मिलने वाले हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने वाली है। दोस्तों, ये गौमूत्र की जो बोतल है, इसका जो ढक्कन है वो लगभग 5 ml जो गौमूत्र आएगा, मैं 2 लीटर पानी में डाल लेता हूँ। तो इस हिसाब से मैं 3 ढक्कन डालता हूँ, जिससे कि 15 ml हमारे 2 लीटर पानी में पहुँच जाएगा। दोस्तों, गौमूत्र बहुत ही आसानी से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है, आप किसी भी पतंजलि स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जो दूध डेयरी होती है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बाल्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप कटिंग लगाएं या फिर कोई भी पौधा लगाएं, पहली बाल्टिंग अच्छे से करें, जिससे कि सारी मिट्टी गीली हो जाए। जब मिट्टी गीली हो जाएगी तो आपके पौधे की रूट्स जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। लगभग दोस्तों 2 महीने हो चुके हैं जो हमने कटिंग लगाई थी, उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और काफ़ी पत्ते बन चुके हैं, जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, वो पत्तों का साइज भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, जो गोमूत्र हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, जो हमने इसमें मनी प्लांट की कटिंग में यूज किया था, और इसको अगर हम पत्तों पर छिड़कते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं, जो फंगस होता है या फिर दूसरे बीमारी होती है, तो उससे भी हमारा पौधा बचा रहेगा। ये आप दूसरे पौधों पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा लें।